प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन और पानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना स्वर संधि का जो दूसरा भेद है अयादि संधि, अयादि संधि जो है इसका सूत्र है ए चो आय वाया, ये सूत्र है। ये ज़्यादातर 11th और 12th के लिए ज़्यादा जरूरी है, बाकी 9th और 10th वाले भी इस बात को समझेंगे। ए चो आय वाया जो सूत्र दे रखे, तो इसकी व्याख्या जो करके देखें तो उससे अपने को इनके नियमों का, इन संधियों का पता पड़ता है, ताकि इस किसकी जगह क्या वर्ण आएगा। जैसे इसमें एज, एज जो प्रत्याहार है इसके अंदर वर्ण होते हैं ए ओ आई ओ, ये वर्ण होते हैं। ए का हो जाएगा आई जब संधि करेंगे, जब ये हो जाएगा संधि करते समय, संधि करते वक्त, संधि करते वक्त होगा ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आ। इन नियमों को आप अच्छी तरह समझें, इन नियमों को आप अच्छी तरह देखें, तो आपकी अयादि जो संधि है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। जैसे इसमें व्याख्या तो रूप में लिखा भी है कि जब ए ओ आई औ स्वर वर्णों से परे, इन स्वर वर्णों से परे परे अन्य स्वर वर्ण आए, चाहे ये ही स्वर वर्ण आ जाए लेकिन इनसे अलावा भी आए, तो संधि करते समय ए का होगा आई, ओ का होगा औ, आई का होगा आय और औ का होगा आ, संधि करते जब ये होगा। जैसे पहला नियम था अपना, पहला नियम है ए प्लस अन्य स्वर ए का होगा आई, इसका उदाहरण दे रखा है। जैसे ने प्रसन्न है, नए में क्या है ए, ए आ गया, ए की जगह क्या हो गया आई, तो नए में जब एक ए को निकालेंगे, स्वर को निकालेंगे तो आधा नहीं बचेगा, आधा ने प्लस आई प्रसन्न, तो नए में ए जुड़ गया ने, ये में ए जुड़ गया ए ये और ने नए। इसके उदाहरण जो और हैं वो मैं आपको बताऊँ, इसके उदाहरण जो और हैं वो अभी बताएं आपको, अन्य उदाहरण ये एक उदाहरण समझाया है, और भी उदाहरण बताएं आपको। जैसे नयन है, जैसे कविये कै वे ई, कै वे ये कविये है, सैनम सैनम है कविये है सैनम है, और दूसरा जो उदाहरण है वो अपने पास है, जैसे सैनम शासा और भी है, जैसे लतये है। अब इसमें अगर विच्छेद करें तो आई है किसकी जगह है, एक जगह कवि प्लस ए आई, से प्लस अनम ए, तो इसका हो जाएगा लते प्लस ए, ये होगा। ये इसके उदाहरण है पहले नियम के। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो है कि ओ प्लस अन्य स्वर, ओ का क्या होगा आओ, क्या होगा आओ, ओ का होगा आओ। जैसे आप समझे इस बात को कि आओ कैसे होगा, देखिए आप ओ का होगा आओ, जैसे जैसे उदाहरण है, जैसे पो प्लस अनह है, ये उदाहरण है इसका। अब इसमें ओ आ गया, ओ आया, ओ आने से ओ का क्या हो जाएगा औ, तो पे में ओ है, ये ओ है, ओ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा आप कॉपी में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए। ओ का क्या हो जाएगा औ, ए वह, तो पे में ओ निकालेंगे तो आधा पे बचेगा, आधा पे प्लस औ प्लस अनह, इसका क्या हो गया पवन है, पावन है। जैसे अन्य उदाहरण और हैं, अन्य उदाहरण हैं उसको आप बड़ा बड़ा करके देख भी सकते हैं, अन्य उदाहरण हैं, जैसे पवन है, जैसे भवती, जैसे भवन, जैसे हवन, जैसे हवन, जैसे पवन हो गया, जैसे हवन 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 भवत के भो प्लस अत्य
और इसका जो और हुआ दूसरा अगला हुआ वो है जैसे ये रखो आदि ये सब। इसका जो तीसरा नियम है वो अब आपको बताया जाएगा। तीसरा जो नियम है इसका, दो ही नियम हुए हैं, तीसरा जो नियम है वो है इस प्रकार। तीसरा नियम है नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन, तीन नंबर है आई, आई प्लस अन्य स्वर, आई का क्या होगा आर। जैसे नायक है, नायक में नई प्लस अकह, अब आई में क्या हुआ आई, नई में क्या हुआ आई, और आई का क्या हो जाएगा आय। जैसे नई में आई निकालेंगे आता नहीं, प्लस आय प्लस अकह नायक है। अन्य उदाहरण होते हैं आपको, जैसे गायक है, जैसे मायक है, सायक है, सायक है, नायक है, गायक है, इत्यादि जो शब्द हैं ये तीसरे नियम के इत्यादि जो शब्द हैं। जैसे नायक का बनगा मैं कर सके, गायक का बनगा गय कर सके, मायक का बनगा मैं कर सके, सायक का बनगा सही प्लस अके। इसी प्रकार से अगला जो चौथा नियम है, नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चार है औ प्लस अन्य स्वर, औ का हो जाएगा आव, औ का हो जाएगा आव। जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण देखिए आप, उदाहरण है जैसे आव है, जैसे पाव कहे तो पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह, इसमें औ का क्या हो, औ में क्या है औ, और औ का क्या हो रहा है आव, आव बन गया आव है। जैसे पौ में औ निकालेंगे तो आधा पै प्लस आव प्लस अकह क्या बना पाव कह। प्रिय विद्यार्थियों आपके चार नियम हुए, इसके जो उदाहरण है वो लिखवा देते हैं। इसके उदाहरण जो हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं चौथे नियम के वो लिखवा रहा हूँ मैं। जैसे पाव का हो गया चावल, भी इसी का उदाहरण है चावल, नाविक नाविक है, नाविक है, भावयति भावय यति भावयति, सावक है सावक है, धावक है, इत्यादि जो शब्द हैं ये चौथे नियम के शब्द हैं, चौथे नियम के उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपको अयादि संधि के बारे में अच्छी तरह समझाया गया है, अयादि संधि पूरी हो गई। अयादि संधि में आपको किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो आप पूछें, कौन से पूछ लें या आप को देखें। धन्यवाद।